यहाँ पर जो पहला डिस्कशन है वो है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के बारे में, और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है वो भारत ने डेवलप किया है हाल ही में, और जो न्यूज़ में रहा है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है IIL, इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड्स, इन्होंने बनाया भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जिसका नाम है हैवीश्योर। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, हैवीश्योर न्यूज़ में रहा है, और ये न्यूज़ जनवरी 2024 का है। अगर हम इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो ये सब्सिडरी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्पेशली पर्पस ये था कि डेयरी में काफ़ी हद तक विकास किया जाए भारत में, भारत को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अगर हम हैवी श्योर की बात करें जो कि एक हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, तो इसके कुल दो डोज आपको लेने होते हैं, और पहला डोज जो लेना होता है वो एक्चुअल में आपको 12 मंथ के आसपास लेना होता है, और पहले डोज के बाद जो दूसरा डोज है उसमें लगभग 6 मंथ का इंटरवल रखा जाता है। ये काफ़ी कारगर वैक्सीन है जो डेवलप की गई है। हैवी श्योर याद रखना, ये पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल इसके बारे में आपको जो भी इम्यूनाइजेशन वगैरह के बारे में है डॉक्टर से ही आपको प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेने होंगे। हैवी श्योर के बारे में बात करें तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है हेपेटाइटिस वैक्सीन को लेकर, बाहर के कंट्रीज से हम जिनको इम्पोर्ट करते हैं, तो काफ़ी हद तक अब ये डिपेंडेंसी हमारे दूसरे कंट्रीज़ पर निर्भर नहीं रहने वाली है। हैवी श्योर काफ़ी तक इन चीज़ों को कम कर देगा भविष्य में। हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करें तो एक वायरल डिजीज़ है, और वायरल इन्फेक्शन है, जनरली आपको आपके लीवर को ये प्रभावित करता है। इसमें आपको अगर देखो तो ये जो कंटामिनेशन होता है वो फूड और वाटर के थ्रू होता है, और या तो फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से होता है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको हेपेटाइटिस ए जो बीमारी है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हेपेटाइटिस ए जो लो और मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, और ख़ासतौर से कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो है यहाँ पर आपको लोग ज़्यादा मिल जाएंगे जो इनका सेवन करते हुए दिखेंगे। सिम्टम्स अगर देखो तो नॉर्मल जो जॉन्डिस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, यूरिन और जॉन्डिस, इस तरह की यूरिन जो होगा वो येलोइश हो जाता है। कुछ बिलीरुबिन बिलीब्रिडिन जैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, वो यूरिन में निकल रहे होते हैं, उसकी वजह से यूरिन जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है। रोकने का तरीका यही है कि प्रॉपर साफ सफाई रखनी होगी, सैनिटेशन रखना होगा, इसके अलावा फूड वगैरह सेफ और सिक्योर रखना होगा, और वैक्सीनेशन वगैरह को काफ़ी हद तक प्रमोट करना होगा। तो ये वही वैक्सीन है हैवीश्योर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत द्वारा बनाई गई है। हेपेटाइटिस को लेकर बहुत सारे जागरूकता अभियान भी हैं हमारे देश में चलाए गए हैं, जहां अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत हेपेटाइटिस को कवर किया गया, जिससे देश में हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। एक तो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है जो चलाया गया है, और इसका उद्देश्य यही है कि भारत में पब्लिक हेल्थ सेक्टर में 2030 तक इसको सफल बनाया जाए, इस तरह की हेपेटाइटिस बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश की जाए काफ़ी हद तक। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत भी भारत सरकार ने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वगैरह को भी कवर किया है। ओके, तो यहाँ पर निःशुल्क आपको ये वैक्सीन जो होते हैं वो दिए जाते हैं, फ्री वैक्सीनेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है। ये रहा हैवी श्योर, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इवन पीछे एक दो साल पहले ही हेपेटाइटिस ए पर क्वेश्चन UPSC ने प्रीलिम्स में भी पूछा है। हेपेटाइटिस ए थोड़ा कॉमन आपको मिलेगा, ज़्यादा कॉमन मिलेगा, क्योंकि ये फूड वगैरह के कंटामिनेशन से आपको मिल जाता है, फूड और वाटर के कंटामिनेशन से। तो ज़्यादातर बच्चों में इस तरह के, या विद्यार्थी जो हैं उनको भी होने की गुंजाइश हेपेटाइटिस के ज़्यादा होती है।